नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु म चिरमय प्रथमे हेडलाइंस तृतीय लहर कारण होई पारे लंबाडा और डेल्टा प्लस वेरिएंट यूके रे अधिक मात्रा रे चिन्हट हेलेनी लंबाडा वेरिएंट भारत को व्यापीबा संभावना सरकार को सतर्क दृष्टि रखिबा को परामर्श देले स्वास्थ्य विशेषज्ञ लखनऊ काकोरी अंचल दुई संदिग्ध आतंकवादी गिरफ अलकायदा सह लिंक थिबा संदेह विस्फोटक सामग्री जबत घटनास्थल में एसटीएस और पुलिस पक्ष सर्च ऑपरेशन जारी संबलपुर में धान बिक्री प्राप्य नपाई बाप पुओं मृत्यु घटना सुप्रीम कोर्ट में जनस्वार्थ मामला जोगाण विभाग अवहेला अड़ुआ राज्य सरकार पूर्व एनएचआरसी हस्तक्षेप राज्य सरकार को ऊपर बरसिले जगद्गुरु शंकराचार्य प्रत्येक क्षेत्र में अनदेखा करुवा कले अभियोग परिचालना कमिटर बैठक किंवा कौन निष्पत्ति में सामिल करू नथिबा नै क्षोभ प्रकाश कले स्वामी निश्चलानंद सरस्वती राति पहिले विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा काली भाई भौणी को सांगरे नै बड़तांड को ओल्हाइबे कालिया ठाकुर आज्ञामाला पाइबा परे सिंहद्वार अभिमुखे तीन रथ राज्य में कोरोना मृत्यु लागू ब्रेक रेकर्ड 65 जन जीवन नहीं वायरस 24 घंटे 2282 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 592 आक्रांत और 14 मृत्यु देश में खोलला हीराकूद जलभंडार दुईट गेट निष्कासित होला बर्षर प्रथम बना जल जलस्तर वृद्धि पाथ्वर निष्पत्ति तलमुंडर बार जिलापा और एसपी को सतर्क सूचना जारी एथर संपूर्ण खबर तृतीय लहर कारण होपे लंबाडा और डेल्टा प्लस वेरिएंट यहां पर सरकार को सतर्क दृष्टि रखा पड़ त्रिपुरा रे 90% डेल्टा प्लस वेरिएंट चिन्हट होती वर्तमान से आक्रांत संख्या दिनक दिन वृद्धि पाँच जेहेतु गोटे राज्य में बढ़ुचे तेणु अन्य राज्य को यह व्यापार जथेष संभावना रही है कोविड गाइडलाइन कड़ाकड़ी भाव अनुपालन कर आवश्यक रही कटक खोर्धा जाजपुर मयूरभंज पुरी भली जिले में संक्रमण कमुना अनलॉक प्रक्रिया जारी रहा कोविड नियम को कड़ाकड़ी लागू करा दरकार लंबाडा वेरिएंट दक्षिण आमेरिकार चिली में अधिक चिन्हट होते मात्र एक वेरिएंट द्वारा पेरूर अधिक मृत्यु होती गत वर्ष सेप्टेम्बर में यह देखाई वर्तमान यह विस्तृत अनुधान होना जेहेतु वर्तमान यूके देखाला आउ यूके भारत को अधिक लोक जातायात करुंट तेणु यह सतर्क दृष्टि रखा समय आह्वान विश्व स्वास्थ्य संगठन यह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कही मात्र वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहीना ही बोली कहिचंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र जेहेतु साउथ आफ्रिका एत डिटेल फैसिलिटी नथिला स्टडी करिया पई किंतु जेहेतु तांकर हायर डेथ बहुत हेतला पर मिलियन तेणु आमको टिके मन रखिया पडियो जे सेटा गोटे स्ट्रेंथ ऑफ कंसर्न हे परे एवं ए जो हमर डब्ल्यूएचओ भी ताको गोटे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहिचे वेरिएंट ऑफ कंसर्न एपन त कहिनी आमपाई चिंता टे बढ़ी कारण एवं रिसेंटली यूके एवं किसी यूरोपियन कंट्री डिटेक्ट है से स्ट्रेनटा एवं से स्ट्रेनटा जेहतु एवं जेहतु यूके यूरोप रु बहुत आमर मानने लोक ये इंडिया को आसती आमर एयरलाइंस मूवमेंट बहुत अच्छी तेनालीटा रोक कि आम इंडिया को आसब कि से डरटा गोटे रोच हाँ ना यहाँ गोटे कि आम कनसर्निंग न्यूज आसला जेहतु 90% केसेस जहाँ जेनोमिक सिक्वेन्स डेल्टा प्लस बाहर त्रिपुरा जानते त्रिपुरा गोटे स्टेट जोटा कि अच्छी जो थी आम केस लोड कम नहीं केस लोड अधिक अच्छे पॉजिटिविटी अधिक अच्छे तेनालीटा गोटे कनसर्न रहा कि आम डेल्टा प्लस टाक नजर रखा पड़े जेहतु से अलरेडी एक्जिस्ट करम कंट्री में तेना डेल्टा प्लस जदि सीढ़ी जमी डोमिनेंट स्ट्रेन हो केरल जमी अगर जगह डोमिनेंट स्ट्रेन न हो एपर्यंत तार देखा जाए डोमिनेंट स्ट्रेन एवं भी डेल्टा स्ट्रेन डोमिनेंट स्ट्रेन अच्छे किटा गोटे पर नजर रखा पड़ो आमको डेल्टा प्लस वेरिएंट उपर भी नजर रखा पड़ो जेहतु गोटे स्टेट से डोमिनेंट स्ट्रेन हो तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य वर्तमान चिंता बढ़ाऊँगी देखो खास करी जदि देखा कटक भुवनेश्वर पुरी एवं जदि देखिए बालेश्वर ये सब जिले में वर्तमान सुधा संक्रमण संख्या कमुना त्रिपुरा जो चित्र सामना को आसुची जे 90% वर्तमान डेल्टा प्लस वेरिएंट सेठारे चिन्हट होती एथिपाई वर्तमान राज्य सरकार माने खास करी ओडिशा सरकार कौन प्रस्तुति चलाई तो वर्तमान लंबाड़ा हेबो कारण कि ये बड़ वर्तमान स्पष्टीकरण रखिबार आवश्यकता रही कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने ए तथ्य वर्तमान सुधा दे सारे त्रिपुरा जेहेतु 90% वर्तमान
डेल्टा प्लस वेरिएंट चिन्हट होती जेहेतु ओडिशा रे किछि जिल्ला रे वर्तमान सुधा मध्य स्थिति नियंत्रण में ना प्रत्येक दिन अधिकरु अधिक संक्रमित चिन्हट होती कोटिराकोटी सरकार ए दिगरे पदक्षेप नबार आवश्यकता रही किभली ओडिशा को ये डेल्टा प्लस वेरिएंट न व्यापिबो एवं डेल्टा प्लस वेरिएंट चिन्हट न होबो एथिपाई जो सब अंचल वर्तमान संक्रमित अधिक आसुचंती बा चिन्हट होती से अंचल वर्तमान कड़ाकड़ी नियम करने स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने मत प्रकाश कर तबे दिव्या आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती दिव्या खास करे राज्य सरकार केमती प्रस्तुति जारी रखी देखो चिन्मय निश्चित भाव में तृतीय लहर रो मुख्य कारण कौन वेरिएंट साजिबो आकु नै समस्त मन में गोटे सन्देह रही गोटे वितर्क लग रही लोक मितर जे अनेक वेरिएंट वर्तमान देखाला आपण कापा वेरिएंट कथ कहतु आप देखु डेल्टा प्लस वेरिएंट किसी राज्य बर्तन चिन्हट होती अधिक रु अधिक सब बड़ कथा हूँ तीस टी देश में बर्तमान लांबड़ा वेरिएंट तार काय विस्तार कर तो से दृष्टिकोण बर्तमान भारत में तृतीय लहर कारण क्यों वेरिएंट हम ताक जो विशेषज्ञ मैंने आलोचना करते समय आज विशेषज्ञ नीरज मिश्र जहाँ प्रतिक्रिया रखिंट जे डेल्टा प्लस वेरिएंट एवं जो लांबड़ा वेरिएंट ये दुईट वेरिएंट तृतीय लहर कारण साजिपे भारत वर्ष में विशेषकर आप देखते जब आम लांबड़ा वेरिएंट विषय आलोचना करवा लांबड़ा वेरिएंट प्रथम दक्षिण अमेरिकार चिली में देखाईला से अधिक रु अधिक लोक लांबड़ा वेरिएंट रे संक्रमित होते किंतु पेरू को जब ये वेरिएंट गला से समय देखाला पेरू में अधिक रु अधिक लोक एथे मृत्युवरण कले वेरिएंट द्वारा तो एवं जेहेतु अन्य तमाम देश गुड़िक वेरिएंट देखाऊँच से कहु जे युके अधिक लोक भारत आसती इंटरनेशनल फ्लाइट मध्य चलुची से कौन लोक आसीपारती भारत में वेरिएंट चिन्हट हो पाए दृष्टि रखी किभली कड़ा कार्यक्रम नियाजी इंटरनेशनल जो फ्लाइट रही है बंद करोसी लोक जो आसर करेस्टिंग से गुरु देखा सतर्क दृष्टि देवाई सरकार परामर्श देखते स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अंपटे जो डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत वर्ष में चिन्हट होता त्रिपुरार यही वेरिएंट बर्तमान 90% अधिक लोक संक्रमित करुच्छ तो से दृष्टिकोण किभली राज्य रु अन्य राज्य को न व्यापिबो सेतिपई समस्त लोक कोविड गाइडलाइन रो जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर रही अनुपालन करने विशेष परामर्श दौंट जे तृतीय लहर किभली अधिक काय विस्तार न कर किभली अधिक लोक संक्रमित ना से केवल गोटे उपाय आमको रक्षा करें कोविड नियम केते दूर अनुपालन करुचे आम जमी कोविड नियम अनुपालन करवा से अनुपात तृतीय लहर संक्रमण तार गतिपथ रखियो तार काय विस्तार आलोचना कर निश्चित भाव में दिव्य समस्ते कारण राज्यवासी कथा कहतु देशवासी समस्ते सेकेंड लहर जो पूरा भयावहता को पूरा अंगे लिभेई खास करी जदि वर्तमान आम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सब अनुपालन करुचे ताहले खास करी था लहर को कोटि ना कोटि मात दि जापर बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आपंकर तमाम सूचनापी दुईज संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्त कला उत्तर प्रदेश एसटीएफ लखनऊ काकेरी अंचल दुई आतंकवादी को गिरफ्त कर दुई संदिग्ध आतंकवादी अलकायदा सह लिंक थिबा संदेह करा से निकटर विस्फोरक सामग्री जबत कर काकोरी अंचल एसटीएस पक्षर सर्च ऑपरेशन जारी रही स्थानीय पुलिस सर्च ऑपरेशन में सामिल होती बोमा निष्क्रियकारी टीम घटनास्थल में पहुंची एम्बुलांस को मुतयन कर आखपाख अंचल घर को खाली कर जनगहलीपूर्ण अंचल होइथिबारु एसटीएस पक्षर सावधानतार सह सर्च ऑपरेशन करपर कौन साधारण लोकों क्षति न पहुंचे से स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण कर गिरफ्त कर आतंकवादी को पचराउचरा जारी रही संबलपुर में धान बिक्रीर प्राप्य नपाई बाप पुंकर मृत्यु घटना सुप्रीम कोर्ट में रुजु होई जनस्वार्थ मामला जोगाण विभाग अवहेलाई बड़ अड़ुआ पड़पारती राज्य सरकार पूर्वर घटन एनएचआरसी रखी करते हस्तक्षेप प्रथम धान बिक्री पर समय प्राप्य न मिलवा शेष अर्थाभाव उपयुक्त चिकित्सा अभाव बाप पर पुओ चलीगला घटना संपर्क में बामरार किसान आदिम कृषक सुरक्षा संगठन मुख्य विचारपति चिट्ठी लिखि जहाक सुप्रीमकोर्ट एक जनस्वार्थ मामलें रूपातरित करजण मृत्यु पर राज्य सरकार त्रुटिपूर्ण धान संग्रह नीति और संबलपुर जिला प्रशासन अवहेला दायी करी संगठन संबलपुर जिला बामरा ब्लक भगपड़ा गांव चाषी दिलेश्वर पटेल और पुओ सुनील
ଗତ 16 ଡିସେମ୍ବର 2020 ଉଚ୍ଚକାପାଟ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 5 ଜାନୁଆରୀ 2021 ସୁନେଲ ମଣ୍ଡିକୁ 66 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ, ତେବେ ଗତ 12 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଏହା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କହୁଛି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା। ହୁଏତ ଏ ନିୟମ ପାଳନ ହୋଇଥିଲେ 2 ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମେ 5 ତାରିଖରେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ବାପାଙ୍କର 12 ଦିନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା, ନବଦିନାତ୍ମ ଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ରଥଖଳାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କଲେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା 3 ରଥ। ଏହାପରେ ରଥର ଚକ ଅଖରେ ତୈଳ ଲାଗି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ସହରକୁ 12ଟି ଜୋନ୍ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 4ଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। 10 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 31 ଡିଏସ୍ପି, 64 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 222 ASI ଓ ଏସ୍ଆଇ ହେବେ ମୁତୟନ। ପୁରୀ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସିଲ୍ ହେବ। CCTV ନଜରରେ ରହିବ ପୁରୀ ସହର। ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ 13 ତାରିଖ ଯାଏ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିବ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସହ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅର୍ଗସ୍ ରଥଯାତ୍ରା କୁଇଜ୍ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଜିତନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି କୁଇଜ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଗସ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଜିତନ୍ତୁ ସୁନାମୋହର। ତୁରନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଭଜନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭଜନଟି ବିଜେପି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ଗାୟକ କୈଳାଶ ଖେର ଗାଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଗାୟକ କୈଳାଶ ଖେର। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାସହ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରୀ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହି ମହାବାହୁଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଏହାସହ ମହାମାରୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ବିତ ଭାଇ, ଆଉ ଭାରତର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଗାୟକ, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କୈଳାଶ ଖେରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ରଥ କାଲି ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏଭଳିଆ ଏକ ଭଜନ, ଏଭଳି ଏକ ସମର୍ପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଆଉ କୈଳାଶ ଖେରେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କରୋନାର ବିକଟ ସ୍ଥିତି ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉନାହିଁ, ପୁରୀରେ ହିଁ କେବଳ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ କଟକଣା ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖିକି, କୋଭିଡ଼ର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଧେ ସେହି ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସମର୍ପଣ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଆମର ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିକି ନିଜେ, ସେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ବଡ଼ ଅନୁରକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସମର୍ପଣ ଅଛି। ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କଲେ,
कम से कम महाप्रभु को आम आ रथ रे तो पूरी जा पहुँचवा संभव हो किंतु तार विकल्प रे ए प्रकार अभिनव इनोवेटिव इनिशिएटिव निश्चित भावे भक्त मानक मन भितरे आहुरी आस्था तैयारी हेबो ये गोटे भल उद्यम हेछि। राज्य सरकार को उपरे बरसिछन्ति जगतगुरु शंकराचार्य। राज्य सरकार स्वामी निष्णानंद सरस्वती को अणदेखा करुथिबा से कहिछन्ति। प्रत्येक क्षेत्र में श्रीमंदिर प्रशासन और राज्य सरकार तंको अणदेखा करुछन्ति। परिचालना कमिटी बैठक किंबा कोनोसे निष्पत्ति रे शंकराचार्य मत लोडा जाउ नथिबा से कहिछन्ति। राज्यरे कोरोना मृत्युरे लागुनी ब्रेक। पुणी रेकर्ड 65 जनक जीवन नेछि भाइरस। एथिरु खोर्धारु सर्वाधिक 14, बरगड़ केन्दुझरु 6 जन लेखाएं मृतक रहिछन्ति। एहाकु मिसाई राज्यरे मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 4569 रे पहुँचिछि। सेपटे 24 घंटे राज्यरु 2282 पजिटिव चिन्हट होइछन्ति। खोर्धारु सर्वाधिक 592 आक्रांत रहिछन्ति। सेपरि कटकरु 299, मयूरभंजरु 141, पुरीरु 127 और जाजपुरु 111 आक्रांत रहिछन्ति। एहाकु मिसाई राज्यरे मोट आक्टिव केस संख्या 25461 रे पहुँचिछि। निस्वार्थ पर भावे काम करुथिबा प्रेरणादायी व्यक्ति को मिलू पद्म पुरस्कार। एपरी लोकों विषय जणाइबा को देशवासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करिछन्ति। एनेई रविवार मोदी ट्वीट करी जणाइछन्ति प्रेरणादायी व्यक्ति को चिन्हट करी सेमानक संपर्क में पद्म सम्मान वेबसाइट माध्यम रे सूचना अपलोड करबा को कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। एहाको पीपल्स पद्म ना दिया जाइछि। पद्म पुरस्कार पर नामांकन शेष तारीख 15 सेप्टेम्बर रखा जाइछि। राजधानी बस्ती रे आतंक राज। मनइच्छा बोलुछि खंडा। बापूजी नगर केदारपल्ली बस्ती रे चांचल्य। तीन जन युवक जने परिवार को खंडा देखाई आतंकित करबा सह धमक देउथबा देखिबा को मिलिछि। भिडियोटी बापूजी नगर केदारपल्ली बस्ती रे होइथबा कहा जाउछि। राजधानी छाती उपरे कैपिटल थाना टू मात्र 500 मीटर दूर रे एभली आतंक सृष्टि करबा घटना लोकंकु भयभीत करिछि। जने परिवार को घर छाड़ी पळाइबा को किछि लोक धमक चमक देउछन्ते। अजगर को पिटिपिटी मारिदेले लोके। राजधानी भुवनेश्वर उपकंठ बालीपाटना अंचल में एक अजगर को देखा मिलता। बिल में काम करुवा समय दुई जन को यही अजगर आक्रमण करापर ग्रामवासी एकजुट हो सापटी को मारिदेव सूचना मिली। मयूरभंज करंजिया उपखंड में हाथी उपद्रव। जहाक नहीं अस्तव्यस्त जनजीवन। करंजिया रेंज देवली गांव में हाथीपल गोटे घर भांगा सह व्यापक फसल नष्ट करिछन्ति। खासकर करंजिया ठाकुरमुंडा सुक्रुली एवं ररुआ ब्लक्र लोकने राति न शोई घर सम्मुखें जगि रही। सेपटे वन विभाग कर्मचारी झाड़खंडी हाथीपल को घोड़ाइवाई उद्यम आरंभ कर किछि दिन हेब। केन्दुझर जिलापटु दुईट हाथीपल आसा शनिवार विलंबित राति में आउ गोटे हाथीपल आसी। करंजिया वनखंड में मोट 33 हाथी रही वन विभाग कही। दुधियाणी रेंजर सुनापोशी जंगल में 7 हाथी रही। ठाकुरमुंडा रेंज अधीन खेजुरिया जंगल में 9, करंजिया रेंजर पार्वतीपुर गांव निकटने आंब बगिचार 11 हाथी रही। रविवार विलंबित राति में आउ एक 6 हाथीपल सुनापोशी जंगल में पशि आसी। बर्तमान सुधा करंजिया रेंज में जोटा कि 23 हाथी प्रवेश कर तो बड़ दुखर कथा जोटा कि आम 25 दिन राति प्रयास चली जोटा कि आम स्टाफ मैंने बारंबार चेष्टा करने सत्ते से मुवमेंट को चेंज कर पारना जोटा कि आम चेष्टा चलूँ को झारखंड मुहा करने। हाथी बर्तमान करंजिया उपखंड में आगु 18 के 12 15 हाथी आसते बर्तमान 33 हाथी आसी जहाँ शुणा को मिली। एवं वन विभाग जो भाई हाथी घोड़ेवा कार्य नियोजित अच्छा कितु जो भाव ढंग से अच्छा
ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର କରି କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଉଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଜନସାଧାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ହାତୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଖେଦା ଯାଇପାରିବ ବା ପଠା ଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍। ଦିନ 11ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ତଳଭଣ୍ଡାର 12 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ। ଷ୍ଟେସନରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପ୍ରସବ କରାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜଧାନୀର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନ। ହାଓଡ଼ା ଯଶବନ୍ତପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟେସନକୁ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଟ୍ରେନ୍ଟି 4:44 ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ଆର୍ପିଏଫ୍ର ଏସ୍ଆଇ ସଚଳା ପ୍ରଧାନ ଓ ମେରି ସହେଲେ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ସହଯୋଗ କରି ସେହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରେଳ ଡାକ୍ତର ଓ ଟିମ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ 4:55 ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ, ଦିନରେ ଘର ଭିତରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପପୁ ସାହାଣୀ। ପପୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ସହିତ ନିଜ ହାତକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପପୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପପୁଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରପଟୁ ଲକ୍ ଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପପୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। କେହି ଏହା ପ୍ରେମଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୋରାପୁଟରେ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ହାତୀମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। 4 ଆହତଙ୍କୁ କୋରାପୁଟରେ ଦଶମନ୍ତପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।